ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਦੇ ਚੁੱਪ लेके आया उनको तो ये बटरफ्लाई पार्क आए आज हम लोग ठीक है मेरे पापा ले गए हैं मेरे को तो पता नहीं था इधर मैं पहली बार ही देखी तो बटरफ्लाई ज़्यादा तो नहीं बट है इधर है देखने को हमें मिल रही है थोड़ी बहुत तो है बाकी और भी बहुत बड़ा पार्क है देखेंगे अभी वहाँ पे जाके कि कितनी बटरफ्लाई पापा घास घास है यार घास नहीं है पौंड है लांग मार के पौंड है पौंड जब अभी बोलते छप्पड़ ऐसा लग रहा है कि पूरा मतलब घास वास है पानी स्टोर किया है बेटा पानी पानी स्टोर किया हुआ है हाँ, जो तो फिर अरे ऊपर जेड़ा गंदा नहीं है प्रसाद का पानी जो उधर रास्ते से जा रहा है ना पानी प्रसाद का स्टोर किया हुआ है तो गंदा पानी नहीं है गंदे होता है मतलब ये प्लांटेशन के यूज हो जाते हैं अच्छा तो थोड़ी नॉलेज लेने आए यहाँ पे अब लोग उधर बताता हूँ पूरा बटरफ्लाईज का पूरा लिखा हुआ है मतलब इम्पोर्टेंट कैसे होती है इकोसिस्टम के लिए इधर भी है बटरफ्लाई सारी ऊपर मतलब हर फ्लावर मतलब लगता है हर पेड़ के अकॉर्डिंग है कोई मतलब लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये वाली रहती है पता नहीं किस हिसाब से रहती है पड़ा ना चींटियां देख रहे हो तो ये है बटरफ्लाई कंजर्वेटरी मतलब यहाँ पे कंजर्व की जाती है बटरफ्लाई नहीं बैठे क्या हाथ पे बैठी थी क्या कितना मच्छर मारे मच्छर पैर पै रहे मच्छर पैर ओ आशीर्वाद ले रहे पापा हाँ संस्कारी मच्छर है वैसे भी जिंदगी दो दिन तो होती नहीं ज्यादा आशीर्वाद दे तू पता कौन कौन है की कहते हैं मतलब प्राइसिंग में ठीक ही मिलेगा 5700 मिलेगा कोई ना यार कुछ तो मिला इसलिए मेरे को थोड़ा पहनने का हो गया आज पता नहीं इतने लोग बेल रहे हैं संडे है पर ठीक है मतलब इतना रश है ना यहाँ पे एलांटे मॉल में हमें पार्किंग करते करते 20 मिनट लग गए ऊपर से सीधा मतलब थर्ड फ्लोर में इतना मतलब लाइन लगी और ये देखो गाड़ी गाड़ी है अभी थर्ड फ्लोर में नीचे ऊपर के दो फ्लोर फुल है गाड़ी का ना मतलब फोटो खींच के रखा हुआ मतलब पिलर का जहाँ पे गाड़ी लगाई है देखते हैं शूज मिल गए मिले तो सही कुछ मतलब कुछ ना मिलने से अच्छा ही है खाली हाथ नहीं आना था मुझे एक शूज लेने थे सो
गाइस, आज फिर हम लोग आए थे गौशाला में, और मतलब हर बुधवार आता है, ये आता है। मैं तो वहाँ पे रहता हूँ मुंबई में, तो मैं आ नहीं पाता। तो अभी लास्ट वेडनेसडे आए थे, अभी आए हैं। अभी भी वेडनेसडे है, लास्ट ब्लॉग का आपको लेट दिखा होगा देखने के लिए, बट वेडनेसडे थर्सडे दोनों टाइम आता है। अभी डाल दिया हमने। एक ऐसा आता है कि कितना चारा डालना होता है वेट के अकॉर्डिंग, मेरा वेट और इसका वेट है। इसका 75 है और मैं अपना बताऊंगा। पहले बना दी, हम लोग गए थे गौशाला। खा रहे खाना, रिकॉर्ड कर ले है? नहीं यार, परमिशन लानी बंदी है ना। बल्ले तेरे बड़े बंदे सीए साहब ने। नहीं भाई, सीए है भाई, ये देखो सीए अकुल अंचा सीए साहब। क्या करिए, फ्री हो सारे अकाउंट वाउंट देख लेने को। चलो मैं ही देख दे यार। शायद गलती ना देखता तो है, फोन करते थे टाइम पे, भले मुझे याद ना होगी। अबे गाइस, सीन क्या है कि मेरे ना कुछ दिनों से ना कान में ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो बहुत दर्द हो रही थी। वो ईयरफोन लगाता हूँ ना डेली, तो अभी क्या हो गया कि अंदर से ना सूज गया है पूरा, बहुत दर्द हो रही है, पूरा स्वेलिंग आ गई है यहाँ से। मतलब नस पकड़ के ना, तुम अगर नस देखोगे ना, अगर मैं कुछ खाता हूँ ना, तो यहाँ से दर्द आती है, दिखती पता लगता है। मतलब एयरफोन नहीं डाल पा रहा हूँ मैं यहाँ, एयरफोन ने काम खराब कर दिया ज्यादा डाल डाल के। क्या ही कर सकते हैं, इधर वाला अभी ठीक है, इधर भी हल्का सा पेन है, बट इधर पूरी सूजन आ गई है। मैं दवाई तो ले रहा हूँ कोई, अगर ज्यादा रही तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा मुझे। और बता, मैं इसके भरोसे बैठा था कि हम लोग जा रहे वाले हैं बाल कटवाने, ठीक है। मुझे कल बोलता कि हाँ चलेंगे, कल चलेंगे, ठीक है। आया शाम को, आगे सो गया, ठीक है। मैं भी एक घंटा सोया था, दर्द हो रही थी, दवाई खा के सो गया था। तो ये भाई साहब, मैं उसको उठा रहा हूँ, जाना है कहता हाँ जाना है, उठ ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा। फिर गौशाला चले गया, बोलता मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं कल गले चल जाऊंगा, कल नहीं चलने यार। 8 बज गया, स्ट्रीम करनी है मैनू, खुला ही है 9 बजे तक। देखो टाइम देखो, पर हमारी घड़ी ना 20 मिनट आ गए, हमेशा हमारे घर में ना घड़ी ना आधा घंटा, मतलब 15 से लेकर आधे घंटे तक आगे रहती है। ये बचपन से ऐसे ही है, मतलब स्कूल जाना होता था ना, इसके लिए आगे रखते थे कि ऐसा लगे कि हाँ बहुत लेट हो रहा है, बेट लेट हो रहे हैं, मतलब पता नहीं, घर वाले ऐसे ही रखते थे। एक घड़ी रहती रहती है जो मेन, जो इतने मिनट आगे रहती है। 8:02 है अभी, ठीक है, और इस घड़ी में 8:25 हो रहे हैं, तो मतलब 25 मिनट आ गए वाली। मेरे को स्ट्रीम करना है, लोगों को स्ट्रीम करना है। मेरे कान में बहुत दर्द है, मैं सोच रहा हूँ अभी एयरफोन हटा के हेडफोन डालने का ट्राई करूँ, अगर हेडफोन से भी अगर कुछ हो तो फिर एक कान से मेरे को एयरफोन डाल के मतलब स्ट्रीम करनी पड़ेगी। यूट्यूब स्ट्रीम्स नहीं हो पा रही है क्योंकि 3 दिन से मेरा इधर दर्द हो रही है ना, मैं बीजे में खेल ही नहीं पाऊंगा कान में लगा के। हेडफोन नहीं देख रहा है, हेडफोन खराब है, टूट गया है ना हेडफोन। हेडफोन का क्या है कि वो एक कुशन होता है ना, वो टूट चुका है, वो निकल चुका है, वो ऐसे करके बस उसको वो करना पड़ता है, जुगाड़ से बस ऐसे लगाना पड़ता है टाइट करके। पिछले कमेंट्स आप लोगों ने लिखे थे ना पिछले ब्लॉग में, बड़ा खुश हो रहे थे, मतलब काफी प्रसन्न थे कमेंट्स पढ़ पढ़ के, मतलब उनको वो रहा था ना कि लाइक देखा, मेरे को पता है आगे क्या बोल रहे, देखा कितने कमेंट्स आए मेरे बारे में, देखा मतलब आगे मेरे को बता रहे हैं। तू दूसरा व्लॉग कब व्लॉग शूट कर रहा है? अपने बच्चे हैं, उनको अच्छे लगे होंगे तो उन्होंने कमेंट किए होंगे ना, उनके लिए अच्छी बात है, बच्चों के लिए भी। उनको लगता है कि पापा से शायद इतना रिलेशन नहीं होता, बाउंडिंग नहीं होती, आमतौर पे नहीं होती ना, नहीं होती। आप क्या है कि नहीं है? आमतौर पे नहीं होती। आम तो आम खा लो पहले। नहीं, आम तो खा ही रहे हैं, ऐसे होती नहीं है। अच्छा। लोगों को जनरेशन गैप होता ना, पापा का और बच्चों का ना जनरेशन गैप होता। कुछ लोग जो हम तो चलो इसी लाइन में है, हमें पता है कि बच्चे की और पेरेंट्स की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बॉन्डिंग होने से बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसको लाइन भी अच्छी मिल जाएगी, वो फ्री माइंड में अपना कुछ ना कुछ काम कर सकेगा। ब्लॉग है यार, मोटिवेशनल वीडियो नहीं है यार। मोटिवेशनल ही होता है बेटा, देखो तू किस किस लिए आया, तो मोटिवेट किसी ने किया होगा ना, या तो कुछ मोटिवेट हो गया। हाँ। तेरे को हमने सपोर्ट किया ना, सपोर्ट इसलिए कि हम माँ बाप क्या सोचते हैं, बच्चा गलत सोसाइटी में ना जाए। बच्चे का सोचते हैं कि माँ बाप हमारे नंबर दुश्मन नंबर एक है, उनको लगता है कि पापा को पता लग गया पापा जाने नहीं देंगे, पापा को पता लग गया यही बात होती है, घर वालों को पता लग जाए तो कुछ करने देते हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। देखो घर वालों का एक ही होता है, बच्चे गलत सोसाइटी में ना जाए, उनका फ्यूचर अच्छा बने, इसलिए वो सोचते हैं, उनको लगता है। लेकिन पेरेंट्स को मैं अपील करना चाहता हूँ, हर बच्चे को भगवान ने कुछ ना कुछ अलग दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड चीज होती है। Okay. तो बच्चे को थोड़ी की काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो बच्चे को ऐसे महसूस नहीं होना चाहिए भी माँ बाप बोल रहा है भाई मेरे दुश्मन है। देखो बच्चे को फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, फ्रेंडली। आपको लगता नहीं? आप किसी से भाई पूछ के देखो, ठीक है ना, तो इसलिए होता ना, बच्चे बाप माँ बाप भी फ्रेंड्स भी देखते हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप मेरे दुश्मन है। तो बच्चों को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, माँ बाप दुश्मन नहीं होते बेटा, नहीं नहीं जाने, माँ बाप चाहते हैं गलत सोसाइटी में ना जाए, उनका एक ही मिशन होता है। तो इसका मतलब है तुम्हें घर लेना चाहिए जहाँ पे सोसाइटी अच्छी हो, ठीक है? नहीं, सोसाइटी तो देखो, जो अच्छा बंदा है उसकी अच्छी सोसाइटी बन जाएगी, जो बुरा बंदा उसकी बुरी बन जाएगी। कभी देखा है कि पंडित ने और शराब पीने वालों ने कभी एक साथ पैग लगाया हो? पंडित ने लगाना नहीं, उसके साथ नहीं बनेगा, इसलिए उसकी सोसाइटी नहीं बनेगी।
कभी देखा बेटा? नहीं होता है। अच्छे बंदे की अच्छी सोसाइटी बनेगी, गलत बंदे की गलत सोसाइटी बन जाएगी, क्योंकि लाइक माइंडेड की बनती है सोसाइटी, ऐसे नहीं बनती। आप क्या सोचते हो, ऐसी सोसाइटी बन गई? देखो तुम लोग पता नहीं है, पापा के ना बहुत सारे मोटिवेशनल काउंसलिंग वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है, हमें को भेजते रहते हैं, कहते ये देख मेरे वीडियो भी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लाइक वो प्रेस वाले आते हैं ना तो वो उधर यूट्यूब पे डालते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है ना भाई साहब। नहीं वो पता है बेटा, ऐसे हमारे पास बच्चे आते हैं फर्स्ट एड, जो बच्चे पढ़ लिख के उनको दिखता ही नहीं भी कहाँ जाना है, वो ऐसे लगता है जैसे एक चौराहे में बच्चा खड़ा है, उसको पता नहीं कहाँ पे कौन सी दिशा में जाना है, और हमको ये मोटिवेट करते हैं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत क्या आती है, बच्चे का इंजीनियरिंग में दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन उसके माँ बाप उसको क्या घुसेड़ देते हैं, तो डॉक्टर का वो MBBS कर लेता है या लॉ कर लेता है या किसी और लाइन में चला जाता है, वो बच्चे को दूसरी लाइन में धकेल देते हैं, वो पता नहीं कभी चाचा के मामा के कि पापा के भाई टॉपिक जो नहीं सारी बताई। नहीं बेटा ज्यादा काफी देर हो गई, तो बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं उसको, एक्चुअली तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको अपनी लाइन ही ऑप्ट करनी चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है जिसमें उसको 10-12 घंटे काम करने से भी थकावट नहीं होती। तेरे को नहीं होती ना, तेरा इंटरेस्ट है इस काम में, 14-14 18-18 घंटे काम किया ना, किया ना गेमिंग में, तो तेरा इंटरेस्ट था, अदरवाइज तेरे को हम कहते हैं 8 घंटे काम कर, तो क्या पापा थक गया, मैं नहीं कर सकता 8 घंटे की ड्यूटी करे, हम 8 घंटे ड्यूटी करके आते हैं थक जाते हैं, ठीक है ना। चलो जब इंटरेस्ट वाली बात होती 10 घंटे भी चल जाते, 12 घंटे भी चल जाते, ये बात होती है बेटा। बच्चों को देखो, बच्चों को अपनी इंटरेस्ट वाली लाइन ही ऑप्ट करनी चाहिए, काउंसलिंग से चलो ठीक है लाइन मिल जाती है, ठीक है वो भी समझ आ रहा है यार, देख रहे हैं। नहीं नहीं बेटा अच्छी, मैंने कमेंट्स पढ़े, बड़े बच्चों ने अच्छा कमेंट दिया, एक तो पता नहीं डॉक्टर साहब थे उन्होंने मेरे, उनको टेंशन हो गई ये पेट कम कर लिया, कोई थायराइड ना कोई बीमारी ना हो, तो मैंने अरे वो हर्बल लाइफ के मैंने कोई आइटम प्रोडक्ट यूज कर रहा था उससे हुए, इनका तो वो चल रहा था हेल्थ कोच चल रहा था, हेल्थ कोचिंग, हेल्थ कोच के अंडर काम कर मैं ले रहा था, उस चक्कर में मेरे को वेट का लूज करना था, मैंने वो किया है, बीमारी मुरी कुछ नहीं है। तो ये खाना वाना काम करते थे, वो आता है इनका कुछ तो हर्बल के प्रोडक्ट आते हैं, वो सप्लीमेंट आते हैं वो लेने होते हैं, प्रोटीन्स विटामिन्स वाले, तो बस वही ले रहे थे, मतलब उसे ज्यादा नहीं लगती, मतलब भूख का नहीं है पता नहीं मुझे, नहीं भूख तो लगती वैसे भी कम ही लगती थी, मेरे को पिला रहे थे 2 दिन से बेटा, अच्छा इतना बड़ा ग्लास पिलाते ऊपर से, अच्छी होती ना चीज, अच्छी होती है, जो हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि बॉडी में डेफिशिएंसी आती रहती है, डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता और बच्चों ने बहुत उनको लगा भी मतलब फ्रेंडली है भाई, बेटे से फ्रेंडली है, क्योंकि बच्चों ने पहले भी ब्लॉग देखे होंगे फ्रेंडली, तो बेटा हम तो पहले शुरू से फ्रेंडली, तो मेरा सोच भी है ये, मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं, मैं वो भी उनको भी मोटिवेट करता हूँ कि आप बच्चे को फ्रेंडली हो, और बच्चे को लगे ही ना भी मेरे पापा मेरे दुश्मन है, ठीक है लगते हैं तो जाने दुश्मन नहीं होते बेटा, बच्चे जो है ना बच्चों को लगता है, क्योंकि बाप माँ बाप ना उसको मना करते हैं किसी, मतलब उनके जो सोचते हैं ना बच्चे, क्योंकि बच्चे में बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं होता, माँ बाप को एक्सपीरियंस होता है, माँ बाप को यही डर लगता है भी ये बच्चा गिर ना जाए, पढ़ा भी बच्चा भी हो जाए, लेकिन वो उसके सराहना रख देते हैं अभी गिरी ना जाए, तो ठीक है। और दूसरे कमेंट दसो, और की कमेंट्स पढ़े हैं, एक हो गया ना, और बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया, जैम पापा बोला, बड़ा कुछ बोला, हाँ बच्चे ने बहुत पढ़ के देखो, सारे पढ़े हैं ना, मैं सारे नहीं पढ़े, मैं स्टार्टिंग में पढ़े, ऑलमोस्ट पढ़े हैं, बच्चों ने बहुत बढ़िया कमेंट किए हैं, चलो उन्होंने लव यू बच्चों को थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने पढ़े हैं, मेरे को अच्छा कमेंट दिए हैं, मेरे को हाँ मेरे को महसूस हुआ यार मेरे को बच्चे लव करते हैं, मैं भी बच्चों को लव करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे आते हैं ना इतना मतलब मायूस होकर आते हैं, जब मेरे सर्कल में आ जाते हैं उसके बाद इतना अटैचमेंट हो जाती है, उनको लगता ही नहीं भी हम किसी और ऑफिस में, उनको लगता है हमारा ही ऑफिस है, ये खुद ही कहते हैं, कहते सर हमें तो लगता ही नहीं है, हमें आपने इतने खुली छूट दी हुई है, जहाँ मर्जी बैठो, एसी चलाओ, पंखे चलो, जो मर्जी चलाओ, जो खाना पीना, कई बार बच्चों को मैं समोसे भी खिला देता हूँ, मैं इंजॉय करो भाई वो बच्चों को थोड़ा फैमिलियर माहौल देना चाहिए, ठीक है ना, तो उससे बच्चे अटैचमेंट थोड़ी हो जाती है, हमारे भाई बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पर भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वो हो जाएंगे सेलेक्ट हो जाएंगे, वो याद सारी उम्र याद रखेंगे, आप किसी की जिंदगी बनाते हो, मतलब मैं नहीं बनाता, बनाने तो उन्होंने खुद ही है, हमने गाइडेंस एक कॉन्फिडेंस बच्चे को आना है, वो बहुत जरूरी, तेरे को कॉन्फिडेंस आया ना, ठीक है ना, बस यही होता है, बच्चे को माँ बाप का इतना सहारा चाहिए बस, क्योंकि बच्चे को लगे कि माँ बाप मेरे साथ है, बस और कुछ नहीं, बच्चा फिर अपने आप चल जाता है, पंख उसको लग जाते हैं उड़ जाएगा, लगता है काफी लोग अभी अपने ना घर वालों को फिर ये वाला दिखाएंगे, हाँ दिखानी चाहिए, मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ बच्चों को ज़्यादा मना नहीं टोका टकाई नहीं करनी चाहिए, पंजाबी में बोलते हैं टोका टकाई, कि हर जगह मना नहीं करना चाहिए, रोक टोक नहीं करनी चाहिए, कि बच्चों को हर चीज़ में मना कर रहे, ये नहीं करना वो नहीं करना, जहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, बच्चे को जाने दो, वो क्या करेगा, पैसे खराब कर लेगा ना ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे उसको बोलो भी यहाँ कर ली, पैसे का मत सोचो, एक्सपीरियंस लो, इससे तूने क्या सीखा, उसको पॉजिटिव माइंड में लो,
आप पॉजिटिव एटीट्यूड में लोगे तो बच्चा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। मैं दसो मैं भी जाता था पता है, मेरे को ना टेस्ट वेस्ट देने के लिए बड़ा बोलते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पर मैं वो कभी वो नहीं किया, प्रेशराइज नहीं किया कि देना ही देना, बस भर दे और दिया, बस दिया, भले जो होना हुआ हो जाएगा, बस तू दे के आ जा। बट एग्जाम देने भी ऐसे चाहिए, मैंने जितने एग्जाम दिए हैं जिंदगी में ऐसे ही दिए हैं, एग्जाम देने मैं कभी नहीं सोचता मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। जो फेलियर बंदा होता है ना वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको ज़्यादा जिंदगी का तजर्बा होता है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसके बाद में पता चलता है मैं यहाँ से मार खाई हूँ, वो उसको ज़्यादा सीखता है। जो एक बार पढ़ लिया उसको सीधा रास्ता मिल गया, उसको ज़्यादा दुनिया का पता नहीं होता, वो बंदा जो है उसको ज़्यादा दुनिया का पता होता है जो जिस बंदे ने ठोकरें खाई है, ठोकरें मतलब कि जिसको हर्डल पे हो गई आ गई, उसको प्रॉब्लम आई, उसने उसको सॉल्व किया, वो पॉजिटिव माइंड में बच्चे को सोचना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बिना ताले के नहीं है, ताला जब बनता है उसके साथ चाबी बनती है, कोई प्रॉब्लम जो है कोई बिना परेशानी से मतलब उसके सोल्यूशन के साथ नहीं है, उसके बगैर नहीं है। ज़्यादा बच्चों ने बाउंडिंग का बोला है, यही बच्चा भी अच्छी बाउंडिंग है, क्योंकि मेरे को जो महसूस हो रहा है ना वो यही महसूस हो रहा है, बच्चों को बच्चे के पापा शायद उनको नहीं लग रहा है बच्चे पापा ऐसे होते हैं, उनको भी पापा का बैड एक्सपीरियंस ही है, पापा का हर बंदे को बैड उनको लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार माँ से भी ज्यादा प्यार पापा करते हैं। मम्मा देख लो माँ सही है पक्का सही है, तो बाप का ये है भी बाप का जरा दिखता नहीं है, माँ का दिख जाता है, तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट बाप की होती है पता है। हाँ अब मैं आज तक मेरी बाजू दुख रही है, कंधे दुख रहे हैं यार, तेरे को उठा उठा के। हाँ आज तक दुख रहा है, पुराना डायलॉग फिर तो ओ भाई पुराना नहीं है सर, वो मेरे को दुख रहे हैं ना, मेरे को याद आता है तेरे को उठा उठा के तू दुख रहे हैं। ऐसे होता है बेटा, माँ बाप को ऐसे होता है, तू पहले बच्चा था हमारे घर में, काफी साल बाद बच्चा हुआ था, तो फिर सबसे ज्यादा प्यार तेरे को हम अवारी लगाते थे, पहले मैंने उठाना आधा घंटा, मैंने उठाना आधा घंटा, मैंने उठाना, ऐसे करते थे, प्यार लव करते सारा फैमिली करते थे। मैंने मैंने ज्यादा मिला कुल नहीं मिला लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो ही ले रहा है, वो सबसे ज्यादा प्यार वही लेता है, लड़ता भी ज्यादा है, प्यार भी ज्यादा करता है। उसको एक दिन मैं बीमार हो गया, उसको इतनी टेंशन होगी कि पापा के, मैं कहा भाई मेरे का पता कोई नहीं मेरे को क्या हो जाए, उसकी इतनी टेंशन होगी पापा का काम कौन किए, पापा हमारे इतने काम करते हैं ये सारे काम कौन करेगा, वो पापा जल्दी जल्दी ठीक हो, जल्दी ठीक हो, मेरे हमारे काम कौन करेगा, हमारे काम कौन करेगा, उसको मैं टेंशन हो गई जाती बीमार होगा ना वही बेटा। हाँ वही बेटा, तेरे को टेंशन हो जाती है वहाँ पे, पता नहीं क्या है, कोई बात नहीं, प्लस माइनस होता रहता है जिंदगी में, बस कुछ कमेंट्स पढ़ गए। और तूने कभी सोचा था वैसे क्या तेरे को अच्छे पापा मिलेंगे, ऐसे अच्छे पापा मिलेंगे? सच में बताना, मैं कितना सोच सकता पापा, मैं पैदा ही नहीं आई। तो बच्चा दूसरे माँ बाप को देखता है ना, मैंने कभी डांटा, कभी पीटीए में गया, कभी बच्चों को डांटा नहीं नहीं नहीं, अरे पीटीए में आते थे तो कुछ शिकायत का मौका ही नहीं मिलता था, कोई होती नहीं शिकायत, मैंने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी शिकायत नहीं हुई, कभी कुछ नहीं, उन्होंने अच्छा किया, बच्चे अच्छे बच्चे हैं, ओबीडियंट हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा है, तो अच्छी बात है, अच्छी लाइन में जाना चाहिए। आज तक स्कूल में एक बार भी नहीं बोला कि ये लोग पढ़ते नहीं है, ये है वो है, लेकिन हम भी मोटिवेट करते थे लोगों को, मैं देखा था बच्चों को इतनी झिड़के पड़ रही थी, इतनी झिड़के लड़कियों को, कितनी झिड़के पड़ते थे, रोने वाली हो जाती थी ये लड़कियाँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या डेट जो पता नहीं है, कोई उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं माँ बाप, हमने शुरू से बच्चों को फ्रेंडली डील किया कि नहीं किया ये बता दो, किया तो है इसलिए तो आज की मोटिवेशन क्लासेस स्टार्ट होगी। वैसे मोटिवेशन क्लासेस के लिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, 12 मिनट तो इधर ही बन गए पूरे। नहीं नहीं बेटा, मोटिवेशन ही होती है, देखो सारे बच्चे देख रहे हैं, जो देख के कुछ सीखेगा उसको फायदा है इसका, जो बच्चा इस पे सीखेगा नहीं, क्योंकि हम वीडियो देखते हैं, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जो अच्छी चीज है उसको सीखना चाहिए, उस देखने का तभी फायदा है, गलत है उसको छोड़ दो, अच्छी चीज है उसको अडॉप्ट करो, जिंदगी में यही सुन सब समझ गए, सब समझ गए। और सुना और कुछ कमेंट्स है, और बस बाकी एक तरह को काम बोला है वही वही नहीं शादी वादी वाला नहीं शादी शादी तो करनी है भाई, तो अपने फर्ज निभाना, पितृ फर्ज, ठीक है ना, जैसे हमने शादी होनी, ब्याह होना होगा, हो जाएगा, होना होएगा, क्यों होएगा, होएगा नहीं होएगा, जो होना होगा हो जाएगा, जो क्यों होएगा, करांगे कोशिश से करनी, कोशिश की तो ये उन कुड़िया तो ना लेके तेरा डुकी के आज ना तेरा अरेंज बेटा, लड़कियां अच्छे कार बच्चे ऐसी थोड़ा लड़कियों के नहीं बोलना, देखो अच्छी लड़की होती, मतलब तू फोटो फोटो मेरे को दिखाने लग जाओ, मैं मिन ना तेरे को क्यों दिखाने की जरूरत नहीं भाई, तेरे को क्यों दिखानी है, हमने हम पसंद करेंगे, तेरे को क्या जरूरत है दिखाने की,
ओ भाई वो जरे वाला जमाना नहीं है मेरे वाला, ये हमारा वाला जमाना ही है। नहीं हम पसंद कर लेंगे बेटा, जब पसंद कर लिया। हां एवी आप बात कर लो बस, मैंने शादी की है, मेरी मम्मा माँ ने पसंद कर ली, कहते पसंद कर ली, ठीक है पूछ ले, हमने पूछ ले, झूठ है ना? नहीं सच है, सच है, पसंद कर ली, फिर देखी, मैंने कोई लड़की देखी नहीं, जबकि मेरी शादी के बाद भी रिश्ते आ रहे थे, पता जो शकन डालने आए थे मैडम, उन्हें डाल रही थी मुझे, पूछ ले, उन्होंने ऑप्शन दी थी, तीन लड़कियां इसमें जो मर्जी चुन लो, तो कनाडा वाली, कनाडा वाली तो देखो किदा किदा सुनने ने, देख लो, नहीं बाकी मैं नहीं, देखो मेरी मम्मी ने बोला भी नहीं बाबा बेटा अपने घर में भी रोटी, मैं नहीं गया, बच्चे का भी आया तब छोटे थे आप, मेरे को परमानेंट बड़ा जुगाड़ बन रहा था, लेकिन मैंने आज तक नहीं, मैंने कहा नहीं मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पैसा ही नहीं बेटा, सब कुछ होता है, होता पैसा भी, हाँ ठीक है कोई गल नहीं, पर ठीक है अपनी जरूरत पूरी हो जाती है, ठीक है खुश हो, मेंटली सेटिस्फेक्शन भी खुश हो, हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है, अपनी जरूरतें उस हिसाब से, इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला है, पता 16 मिनट हो गए पापा व्लॉग नु, देख लो, बात नहीं बच्चे, 16 मिनट दी हुई है, कोई बात नहीं बच्चे देखेंगे, देखेंगे थोड़ा कट कट पाना पड़ा मैंने, कट ले तेरी मर्जी है, जो अच्छा नहीं लगे काट दे, देखो इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला होता है, या इनकम बढ़ाओ या खर्चा कम करो, आप देखो आपका खर्चा कितना है, आप देखो भी आपकी इनकम उतनी नहीं है, फिर खर्चे कम करो, जो अर्जेंट जरूरत नहीं है ज्यादा, अपने आप अपना आपको गुजारा चलेगा, तो आपने जिंदगी में देखो कम से कम 10% सेविंग करो, पैसे मांग रही है, पैसे बहुत पैसे दे, पैसे कढ़ा के दे, शुरू में भी देने हैं नहीं, पैसे दे देंगे, पैसे दे दो, काम ले खर्चे ले मंगन दे है, कर दे, और बता और कुछ नहीं, ठीक है हो गया, बस बढ़िया, बाकी कुछ, बाकी बच्चों को सभी को आशीर्वाद, वापस कमेंट्स आके फिर पढ़ोगे, बच्चे बच्चे, हां कमेंट्स, सारे कमेंट्स पढ़ते हैं पता है, सारे कमेंट्स, तुम लोग, मैं लाइक भी करता हूं कमेंट्स, हां मैं कमेंट्स का बहुत बच्चों के लाइक किए हैं, बहुत बच्चों, क्या बच्चे खुद ही बोलेंगे मेरा लाइक है, एक बार मेरा नंबर पता नहीं लगता ना, लाइक किया है तो पता चल जाता है किसने नहीं किया, मैंने किया है बच्चों के, एक बच्चे ने एक बार होता तूने नंबर रिवील कर दिया था मेरा, हां वो मैंने किया बाबा, तू फोन क्यों किया बीच स्ट्रीम दे विच, मैं तेरे को करता था रूटीन में, तूने बताया नहीं मैं जाग रहा हूं, बीजीएम जब आई थी, हां वो लास्ट टाइम, ठीक है ना, अभी 20 की बात है, नहीं 21 21 थी, हाँ तो बच्चों ने मेरे को फोन आने शुरू हो गए, लेकिन मैंने किसी बच्चे को कोई गलत नहीं बोला, मैंने समझाया बच्चे वो रिवील हो गया, मैं ऑफिस में हूँ, शर्म मत करो, ऐसे मैं बार 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 करोगे फिर ब्लॉक कर दूंगा, तो वो कहते नहीं अंकल ब्लॉक, आज तक फोन आते हैं, 2 साल हो गए, अब मत करना ढूंढ गया ना, क्या अब ढूंढ के मत करना फोन, नहीं ढूंढ के मैं नहीं करता, नहीं जो बच्चों को, हाँ भाई तू लोग मत करना भाई, नहीं नहीं बच्चों, मैंने कभी नहीं हुआ, श्रीनगर तक बॉलीवुड कड़ी स्टेटों से फोन आए, लेकिन मैंने कभी बच्चे किसी को गलत नहीं बोला, मैंने कहा बच्चों पढ़ो भी, अपनी पढ़ाई भी साथ रखो, ये काम एंजॉय करो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, तो चलो गाइस आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, आई होप आप लोग अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो जो कमेंट्स किए थे लास्ट व्लॉग पे, पापा को अच्छे लगे हमने साथ व्लॉग किया, तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग को और व्लॉग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना व्लॉग को, ठीक है मिलते हैं आप लोगों को अब अगले व्लॉग में, ओके मैं थोड़ा यार कान में थोड़ी सूजन आ गई है, तो मैं थोड़ा स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एयरफोन में नहीं डाल पा रहा, ऐसे ऐसे एक में डाल के करता हूँ, ऐसे चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है बाय बाय गाइस, टेक केयर।